Alright, so hey guys, what's everybody? It's over your hearts with the new video. तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। तो वापस से आपका स्वागत करता हूँ एक नए दिन में। वैसे मेरे बाल बहुत खराब लग रहे हैं, तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है, बेसिकली होने वाला है मेरे स्किन केयर के ऊपर। तो डूड लेट्स बिगिन, पहले बाल बनाता हूँ। हाँ चलो। बेसिकली मेरे आप बियर्ड को आप देख रहे होगे तो ये पैची बियर्ड है, मतलब प्रॉपर बियर्ड मुझे नहीं आते और मूस्टैक्स भी वैसे ही होते हैं। तो सबसे पहले इसको क्लीन शेव करते हैं, उसके बाद आपको बनाते हैं। तो टू वी कंटिन्यू, तो बने रहो। तो डूड, मैं जो यूज़ करता हूँ अपने फेशियल हेयर्स के लिए, देख लो एक्स का है ये, कुछ ऐसा शेविंग क्रीम है। तो डूड, सबसे पहले हमको अपना शेविंग क्रीम लेना है अपने इस ब्रश के ऊपर। सो शेविंग क्रीम ब्रश के ऊपर लेना है, उसके बाद अपने पूरे को ऐसे भिंगा लेती हूँ। सो उसके बाद लेट्स स्टार्ट। सो उसके बाद हमको अपना यूज करना है जिलेट। सो प्रॉपर हम लोग का जिलेट लग चुका है। सो आराम से स्मूथली सेव कर लेना है। फाइनली हमारा क्लीन शेव तो हो गया, अब नेक्स्ट प्रोसेस मैं बताता हूँ। तब तक के लिए वीडियो में आप भी कंटिन्यू बने रहो। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो यार, क्लीन शेव कुछ ऐसा है। अब इस पर नेक्स्ट एलोवेरा डिस्कट करेंगे, तो तब तक के लिए वीडियो में आप बने रहो। लेट्स डू दिस। टू डूड, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये हो गया। अब सेकेंड मुझे अपने फेस का मसाज करना है और इसको स्मूथिंग करना है। सो तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एलोवेरा लेना है। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हो गए तो आपको जरूर पता होगा कि मेरा एलोवेरा कहाँ है। तो लेट्स गो। तो डूड, मैं एलोवेरा को अच्छे से वॉश करके ले आया हूँ। अब इसको काट के इसका पल्प निकालते हैं। तो चलिए पल्प निकालते हैं इसके, उसके बाद इसको करेंगे अप्लाई। तो डूड, इसमें प्रॉपर एलोवेरा पल्प निकल चुका है, तो इसको पहले मैश करते हैं। यार बाल बड़े चिपचिपे लग रहे हैं, इसको मैश करते हैं इसमें। मैं प्रॉपर अपना फेस वॉश करके हेयरबैंड मतलब रबर लगा के चलाया, और चलो इसको देखो यार, इस क्रीम को अप्लाई करना है अपने फेस पे पूरे में, ऐसे दोनों हाथों में लेकर। डूड, अपने फेस को प्रॉपर मसाज देना है, जितना आप रब कर सकते हो, पर स्मूदली यार, उतने जोर से भी नहीं, स्मूदली आप रब करो जैसे मैं कर रहा हूँ। इसको लगाने के बाद आपको 15 टू 20 मिनट्स आपको वेट करना होगा, और वेट करने के बाद ही आप फेस को फिर से वॉश कर सकते हो। सो तो देखते रहो, और आफ्टर 10 मिनट्स या 15 मिनट्स मैं भी फेस वॉश करके आफ्टर रिजल्ट आपको बताऊँगा। तो तब के लिए बने रहो। थोड़ा इरिटेटिंग तो है रखना, पर रख लोगे तो फ़ायदा ही करेगा। तो डूड, एलोवेरा को अप्लाई किए लगभग 15 मिनट्स हो चुके हैं, और बहुत सारा जो एलोवेरा है वो सूख चुका है। तो आई हैव अ गो टू टेक अ बाथ। वन मिनट ऑफ शावर लेने के बाद अब आफ्टर रिजल्ट लगा सकता हूँ। तो चलो। तो डूड, आफ्टर बाथ मैं कैसा दिख रहा हूँ आप कमेंट में बता दो, और कुछ इस तरीके का ग्लो आने वाला है आपके फेस पे। सो उसके बाद अगर आपके पास अगर पैची बियर्ड आपको होते हैं, तो पैची बियर्ड होते हैं तो आप क्लीन शेव कर लिया करो। और थोड़े बाल का मैं बता दूँ, मैं अपने बाल पर यूज करता हूँ लिवॉन का हेयर सीरम। सो इसका यूज करने का, अप्लाई करने का जो तरीका होता है, देखो वन पिंच ऑफ सीरम ले लेंगे, उसके बाद इसको लगा के रख लेते हैं यहाँ पे। सो उसके बाद इसको अच्छे से अपने हाथ पे रब करना है, और अपने बालों के लेंथ पर लगाना है। बालों के जितने भी लेंथ पे लगाना है, आपको स्क्राफ पे नहीं लगाना है, वो आपके बाल को डैमेज कर सकते हैं।
हाँ तो डूड इसको अपने बालों के लेंथ पे लगाना है, स्कार्फ में बिल्कुल नहीं जाने देना है, ठीक। अगर आपके शॉर्ट हेयर्स हैं तो 1 पिंच चॉप आपके लिए काफ़ी होंगे, अगर आपके लॉन्ग हेयर्स हैं तो आप 2 पिंच और उससे ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो दिस। तो मैं इसको रख लेता हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ। इफ़ यू लाइक माई वर्क डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तो लुक बता देना कमेंट में कैसा लग रहा है। सो बाय एंड टेक यू केयर।